काफी सारी कंपनीज ग्रो होती नहीं है, बढ़ती नहीं है, बड़ी होती नहीं है, इसका क्या कारण है वो आज हम देखने वाले हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कंपनीज जो है वो बड़ी होती नहीं है, इसका एक कारण, मतलब कुछ कारण जो है इसमें का एक कारण जो है वो पहला कारण वो यह है कि कंपनी अकेला अकेला आदमी जब चला रहा है, मतलब प्रोप्राइटरी है या अकेला आदमी चला रहा है, तो वो उसको लिमिटेशंस आते हैं। जब कोई बिजनेसमैन है तो फिर वो आदमी, मतलब टीम ड्रिवन है या बिजनेसमैन है, काफ़ी सारे लोग चला रहे कंपनी, तो वो ग्रो हो जाती है। तो इसमें अकेला आदमी चलाता है और बिजनेस में जब काफ़ी सारे लोग मिलकर चलाते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ता है ग्रोथ में। नंबर दो, जब वो अकेला, मतलब वो कंपनी में सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, जैसा चाहे वैसा काम हो रहा है, तो फिर वो कंपनी ग्रो नहीं होती। नंबर तीन, फंड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा कंपनी में। फंड्स कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, एक्सपेंसेस में कोई कंट्रोल नहीं है, कितना अपना क्रेडिट है, कितना अपना डेबिट है, कैश फ्लो कितना है, कुछ मालूम नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। नंबर चार, टीम कल्चर, टीम का एटीट्यूड, टीम का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो नहीं है। नंबर पाँच, चेंज या इनोवेशन कंपनी में होना चाहिए या प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो चेंज इनोवेशन नहीं रहता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर कंपनी में ऐसा क्या है एज कंपेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड। एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जिसका खुद का बिजनेस है, एक्चुअली मतलब धंधा कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है मगर अकेला आदमी धंधा कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दूसरा एक है कि जो बिजनेस है जिसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उसमें वन मैन शो रहता है, अकेला आदमी काम करता है, बिजनेस में काफ़ी लोग काम करते हैं तो वो बिजनेस है। अकेला आदमी जब सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसमें ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकता है, स्केलेबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर्सन डिपेंडेंसी होती है, अकेले आदमी के ऊपर सब डिपेंडेंट हो जाता है जब वो अकेला है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ सिस्टम डिपेंडेंट है, पूरे सिस्टम के ऊपर, टीम के ऊपर काम चलता है। यहाँ पर्सनल नीड्स जो है वो पूरी होती है जब वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और कंपनी में बिजनेस में जो नीड्स पूरी होती है वो पब्लिक की होती है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे होता है। और यहाँ जब अकेला आदमी है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उसके लिए कोई फ्री टाइम अवेलेबल नहीं है, वो बहुत ही पैक है, उसको बिल्कुल फुर्सत रहती नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस कर रहा है, और जब बिजनेसमैन में जो है, मतलब एंटरप्रेन्योर जो है, उसके पास में टाइम ही टाइम रहता है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, वो खुद काम नहीं करता। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन है, इसमें हमने फ़र्क देखा। और कंपनी क्यों नहीं ग्रो होती है वो हमने देखा। अभी ये आपको, ये जो बिजनेसमैन है या उसको खुद को पूरा मालूम है ये कि अपनी कंपनी क्यों नहीं ग्रो हो रही है, क्या कारण है, कहाँ अटक रहा है वो, कहाँ लिमिटेशंस उसके आ रहे हैं, कौन से बैरियर्स है, तो यहाँ ये देखेंगे जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया, तो डेफिनेटली उसकी कंपनी ग्रो होने में सहायता हो जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आपके दोस्तों को शेयर करो, जो लड़खड़ा रहे बिजनेस में, जो अटक गए बिजनेस में, जिनको ग्रोथ नहीं मिल रही है बिजनेस में, ताकि वो यहाँ से कुछ सीख सकेंगे और अपना ग्रोथ करेंगे, अपनी कंपनी आगे बढ़ाएंगे। सो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।